पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम नीचे उतरे और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज्यादा इस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूंगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था कि जिसमें 4-5 हजार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके, ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा, जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा, तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले।